Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti.com. हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में AICC मुख्यालय में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र के रूप में पार्टी की गारंटी जारी की। इस अवसर पर कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस प्रमुख उदय भान भी मौजूद रहे। 2014 में जब हमने कांग्रेस ने सरकार छोड़ी तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, बड़ी स्टेटों में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर एक था। लेकिन अभी पिछले 10 साल के राज में BJP और JJP की सरकार में हरियाणा नंबर एक बेरोजगारी में हो गया, महंगाई में हो गया, अपराध में बहुत बढ़ गया, और खेल खिलाड़ियों की तो आपने देखा हमारी पहलवान बेटियों किस तरह से जंतर पंतर में घसीटा गया, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। कांग्रेस ने संकल्प पत्र में बुजुर्गों और महिलाओं पर जोर दिया है। कांग्रेस के संकल्प पत्र में किन किन वादों पर गौर किया गया है, आइए इसके बारे में क्रमानुसार जानते हैं। घोषणा पत्र के मुताबिक महिलाओं को शक्ति के तहत हर महीने महिलाओं को 2,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा को बल में 5,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन रखी गई है। वहीं 6,000 रुपए दिव्यांगों को पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। विधवा महिलाओं को 5,000 रुपए बतौर पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने ऐलान किया कि पुरानी पेंशन योजना यानी OPS को बहाल किया जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवाओं को भी ख्याल रखा गया है। भर्ती विधान के अंतर्गत 2,00,000 पक्की भर्तियों की गारंटी दी गई है। इसके साथ ही नशा मुक्त हरियाणा पर भी जोर दिया गया है। वहीं आम नागरिकों के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली और 25,00,000 रुपए का फ्री इलाज दिया जाएगा। कांग्रेस ने वादा किया कि गरीबों को छत मिल सके, इसके लिए 100 गज का प्लॉट और 3,50,000 रुपए की लागत से 2 कमरों का मकान दिया जाएगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की गारंटी और तत्काल फसल पर मुआवजा दिया जाएगा। कांग्रेस के संकल्प पत्र में जातिगत सर्वे और क्रिमिलेयर की सीमा 10,00,000 रुपए करने की भी घोषणा की गई है।